क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम द सेकंड एक्सप्रेशन, यानी फर्स्ट एक्सप्रेशन से सेकंड एक्सप्रेशन जो है ये सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये हो गया नंबर फर्स्ट है वाई स्क्वेयर प्लस 4y-15 और सेकंड है 8y² प्लस 2। ठीक है, अब ये जो है सब्ट्रैक्शन करना है 8y² प्लस 2 से y² प्लस 4y-15। ठीक है, ये हो गया 8y² प्लस 2। अब ये माइनस साइन इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस y² माइनस 4y और प्लस 15। ये हो गया 8y² लाइक टर्म इकट्ठा कर ले, 8y² माइनस y² माइनस 4y प्लस 2 प्लस 15। ओके जी, अब ये हो गया 8y² माइनस आ गया 7y² माइनस 4y और प्लस 17, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अच्छा जी, सेकंड पार्ट इसका है 8, सेकंड पार्ट है 8x² माइनस 7 ओवर x² प्लस 1 और ये दूसरा है जुमला है 8x² प्लस 7 डिवाइड बाई x² प्लस 1। सेकंड जुमले से फर्स्ट जुमला माइनस करना है, तो 8x² प्लस 7 और x² प्लस 1 लिख ले और माइनस साइन 8x² माइनस 7 और x² प्लस 1। अब जिस तरह मैंने बताया था आपको कि जब डिनोमिनेटर्स एक जैसे हो तो सब्ट्रैक्शन में या एडिशन में इस तरह हम करते हैं कि इन दोनों से एक लेते हैं और ऊपर वाले जो है उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हो गया x² प्लस y, यहाँ पर 8x² प्लस 7 माइनस 8x² प्लस 7। ये माइनस साइन जब यहाँ पर आएगा तो माइनस प्लस ज़ार माइनस और माइनस माइनस ज़ार प्लस। ठीक है, अब ये दोनों ख़त्म हो गया, 7 प्लस 7 हो गया 14, 14 ओवर x² प्लस 1 इज़ आवर आंसर। ठीक है, थर्ड पार्ट जो है इसका, थर्ड पार्ट वो है 2a ओवर a स्क्वायर माइनस 9 माइनस 1 ओवर a माइनस 3। अब इसी तरह इसका भी हम करते हैं 2a, ये हो गया a होल स्क्वायर और 9 जो है ये 3 होल स्क्वायर है, माइनस 1 ओवर a माइनस 3 2a। अब ये हमारे पास a स्क्वायर माइनस b का फार्मूला बन गया, तो a प्लस b इंटू ए माइनस बी और माइनस ए माइनस 3। अब इसका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम में कामन एक दफ़ा और अनकामन जो है ये पूरा लिखेंगे। ये हो गया, अब यहाँ पर आ गया 2a और माइनस 1 और यहाँ पर आ गया a प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं तो 2a माइनस a माइनस 3 ऊपर हो गया, नीचे ए स्क्वायर माइनस 9 हो गया। 2a माइनस a से a आता है a माइनस 3 और ए स्क्वायर माइनस 9। अब मज़ीद आप कर सकते हैं a प्लस 3
इंटू ए माइनस थ्री कर ले, दोनों काट ले, वन ओवर ए प्लस थ्री हमारा आंसर है। अच्छा जी, अब है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का फोर्थ पार्ट है, ये है एक्स प्लस टू ओवर एक्स माइनस टू माइनस एक्स ओवर थ्री एक्स माइनस सिक्स। ओके, यहाँ पर आप देख ले एलसीएम निकाल, डायरेक्ट एक्स माइनस टू इंटू थ्री एक्स माइनस सिक्स। अब यहाँ पर एक्स माइनस टू कैंसिल हो गया, तो ये हो गया एक्स प्लस टू इंटू थ्री एक्स माइनस सिक्स, माइनस एक्स हो गया। अब ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये रह गया एक्स माइनस टू। ठीक है, अच्छा जी, अब इससे आता है थ्री एक्स स्क्वेयर, फर्स्ट मल्टीप्लाई फर्स्ट प्लस फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड, तो माइनस सिक्स एक्स हो गया, ये फिर प्लस सिक्स एक्स हो गया, टू थ्री जार सिक्स और माइनस ट्वेल्व। ठीक है, माइनस माइनस साइन है और यहाँ पर ये एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स है और डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू इंटू थ्री एक्स माइनस सिक्स। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए ये दोनों कैंसिल हो गए, प्लस सिक्स माइनस सिक्स, थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस ट्वेल्व रह गया, माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स रह गया, माइनस साइन अप्लाई हो गया, तो माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस माइनस आर प्लस, और यहाँ पर एक्स माइनस टू थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स माइनस सिक्स। अच्छा, यहाँ पर आप देख ले थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, तो इससे आता है टू एक्स स्क्वेयर और प्लस टू एक्स माइनस ट्वेल्व, और यहाँ पर आता है नीचे आता है एक्स माइनस टू इंटू थ्री एक्स माइनस सिक्स। अब ये ऊपर वाला जुमला जो है पॉलिनोमियल, इसको हम फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, फैक्टराइज हम किस तरह कर सकते हैं? फैक्टराइज हम इस तरह कर सकते हैं कि माइनस ट्वेंटी फोर, यानी माइनस ट्वेंटी फोर एक्स स्क्वेयर और टू एक्स, ऐसे दो जुमले हमने, ऐसे दो नंबर्स हमने फाइंड करने हैं कि जिसके मल्टीप्लाई करने से माइनस ट्वेंटी फोर एक्स स्क्वेयर आता हो और जिसके प्लस या माइनस से प्लस टू एक्स आता हो, तो वो एक सिक्स एक्स है और एक माइनस फोर एक्स है। ठीक है, तो टू एक्स स्क्वेयर प्लस सिक्स एक्स माइनस फोर एक्स माइनस ट्वेल्व डिवाइड बाई एक्स माइनस टू इंटू थ्री एक्स माइनस सिक्स, यानी प्लस सिक्स माइनस फोर से प्लस टू आता है और प्लस माइनस जार माइनस हो, सिक्स फोर जार ट्वेंटी फोर। ठीक है, अब इन दोनों से कामन निकाले तो टू एक्स कामन निकलता है, तो एक्स प्लस थ्री रह गया, यहाँ पर माइनस फोर कामन निकाल ले तो एक्स प्लस थ्री रह गया, यहाँ पर एक्स माइनस टू थ्री एक्स माइनस सिक्स। अच्छा जी, ये हो गया एक्स प्लस थ्री टू एक्स माइनस फोर एक्स माइनस टू और ये हो गया थ्री एक्स माइनस सिक्स। अब इसमें से ऐसा करते हैं कि ऊपर वालों से टू कामन निकाल सकते हैं हम, ये ऊपर यहाँ से अब देख ले एक्स प्लस थ्री, इन दोनों से टू कामन निकाल सकते, तो टू कामन निकाले तो एक्स माइनस टू रह गया,
दूसरा नीचे वाला x माइनस टू, और यहाँ से 3 कामन निकल सकता है। जब 3 निकाल ले तो रह जाता है x माइनस टू। ठीक है, अब देखो 2 × 2 x माइनस टू एक्स प्लस 3, इसकी तरतीब हम चेंज कर सकते हैं। ये इसको हमने पहले कर दिया, इसको हमने बाद में कर दिया। इसी तरह इसका भी x माइनस टू 3 आगे कर ले और x माइनस टू, ये दोनों ख़त्म हो गए। तो 2x + 3 डिवाइड बाई 3x - 2, ये हमारा इसका आंसर है, सिंप्लीफाइड फॉर्म है।